हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू आवर न्यू टॉपिक, एम्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। आज हम इसके संयुक्त राष्ट्र संघ के लक्ष्य और सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। द यूनाइटेड नेशन फंक्शन ऑफ द बेसिस ऑफ द यूएन चार्टर। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो फंक्शन है उनका आधार क्या है? यूएन चार्टर थे। द चार्टर contain certain objective and principle to make the world safe, suffer and peaceful for the present and future generation। यानी कि चार्टर ने क्या शामिल किए थे? कुछ एक उद्देश्य और सिद्धांत पूरे संसार की सुरक्षा और शांति को बनाए रखने के लिए, प्रेजेंट में भी यानी वर्तमान में भी और आने वाली जनरेशन के लिए भी। All member countries are accepted to follow to the aims and principles laid down in the charter। यानी चार्टर ने क्या कहा कि सभी जितने भी सदस्य देश हैं वो क्या करेंगे, हमारे जो लक्ष्य है और हमारे जो सिद्धांत है उनको जो हमने निर्धारित किया उनको एक साथ लेकर के चलेंगे, उनका सम्मान करेंगे। नेक्स्ट आगे क्या कह रहे हैं वो, इनिशियली द चार्टर वाज साइंड बाय 51 मेंबर स्टेट। यानी जब शुरुआत के अंदर क्या था कि चार्टर ने क्या कहा कि सिर्फ 51 जो सदस्य थे ना राज्यों के, उन्होंने ही सिर्फ उसको साइन किया था। करंटली इट कंसिस्ट ऑफ 193 मेंबर स्टेट, परंतु इस टाइम कितने हैं? 193 मेंबर्स सदस्य जो है राज्य सदस्य बन चुके हैं। इंडिया इज वन ऑफ देम, भारत उनमें से एक है। द फॉलोइंग आर द एम्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। द मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड, यानी कि क्या है, शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। टू सेटल डिस्प्यूट इन ए पीसफुल मैनर थ्रू डिस्कशन एंड नेगोटिएशन, यानी कि चर्चा और बातचीत के माध्यम से क्या करना, विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाना। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशंस अमंग नेशन। यानी कि संघ के प्रति जितने भी मतलब दोस्ताना जो रिलेशन है उनको बढ़ावा देना। टू इम्प्रूव द सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पीपल, जो मतलब सामाजिक और आर्थिक स्थिति है लोगों को, उसको क्या करना, मतलब उसको अच्छा करना, इम्प्रूव करना उसको और अच्छा करना। टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स, जो हमारे मानव अधिकार है उनकी रक्षा करना। टू प्रिजर्व द डिस्टिंक्ट कल्चर ऑफ एवरी रीजन अक्रॉस द वर्ल्ड, यानी दुनिया भर में हर क्षेत्र की विशिष्ट संस्कृतियों को सुरक्षित रखना। फिर आगे क्या कह रहे हैं, द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, यानी कि हमारे जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उनके कौन कौन से सिद्धांत है उनके बारे में हमारे को आगे बता रहे हैं। निम्नलिखित सिद्धांत है जो इस प्रकार, ऑल मेंबर कंट्रीज शुड हैव म्यूचुअल रिस्पेक्ट, सभी सदस्य देशों का आपसी सम्मान होना चाहिए। ऑल मेंबर कंट्रीज शुड सेटल देयर डिस्प्यूटीज इन ए पीसफुल मेंबर, यानी सभी के सभी जो सदस्य देश है उनको क्या करें, विवादों को बुलाकर शांतिपूर्ण ढंग से रहना। ऑल मेंबर कंट्रीज शुड अवॉइड थ्रेट यूज ऑफ फोर्स, यानी सभी सदस्य देशों को बल के खतरों या उपयोग से बचना चाहिए। All member countries should support the activities of the United Nations by providing necessary assistance। यानी सभी के सभी जो सदस्य देश है वो आवश्यक सहायता प्रदान करके संयुक्त राष्ट्र की गतिविधियों का क्या करे, समर्थन करे, उनको सहयोग करे। ये हमारा लेसन आज कंप्लीट हो चुका है।